हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रेगनेंसी में तो बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। उन लक्षणों से ये संकेत भी माना जाता है कि गर्भवती महिला को क्या होगा, या फिर कई संकेत में ये भी देखा जाता है कि गर्भवती महिला का हेल्थ कैसा है। तो इन लक्षणों को कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे मानने लगते हैं, अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि गर्भवती महिला को बेटा होने के चांसेस है या बेटी होने के चांसेस हैं। जैसे कि अगर गर्भवती महिला का जो पेट है उसका आकार बड़ा है, और उस पेट का आकार काफ़ी बड़ा है, मतलब चौथे महीने में पाँचवें महीने में बहुत ज़्यादा निकल गया है, कमर के हिस्से का भी निकला हुआ उसी तरीके से है, तो उस गर्भवती महिला को बड़े बुजुर्गों के द्वारा ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बेटा होने के चांसेस है। वहीं गर्भवती महिला का पेट काफ़ी छोटा है, आठवें नौवें महीने में भी काफ़ी पेट छोटा लग रहा है, तो उस गर्भवती महिला को बेटी होने के चांसेस है, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। अब ये जो लक्षण है ये कहाँ तक सही है, तो पेट का बड़ा या छोटा होना कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे एमनियोटिक फ्लूड पे, बच्चे के वेट पे, गर्भवती महिला की हाइट पे, और बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि गर्भवती महिला का पेट बड़ा या छोटा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिस गर्भवती महिला का पेट छोटा है उसको अनहेल्दी बच्चा या फिर वेट में कम बच्चा पैदा होगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहीं अगर पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा का वेट बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बातों पे मैंने बोला कि डिपेंड करता है। वैसे ही ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस महिला का पेट बड़ा या छोटा हो उसे लड़का या लड़की होने का अंदाज़ा लगता है, बिल्कुल भी नहीं, इससे बेटा या बेटी होने का पता नहीं चलता है। ये साइंटिफिकली क्या बातों पर निर्भर करता है कि पेट बड़ा या छोटा होना, बहुत सारी बातों पर मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इससे बेटा होगा या बेटी होगा इसका पता नहीं चलता है। इसलिए अगर ऐसी बातें आप अपनी प्रेगनेंसी में सुन रही हैं तो कृपया करके उन बातों पर विश्वास ना करें और कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिससे कि फ्यूचर पे आपको भुगतना पड़े लॉस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाना।